हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक है, लेकिन देखिए उसमें से एक और ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की, कि हमें जो है वो ये हमें पता होना चाहिए कि किस किस लेवल में हमें भरना है। जैसे 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, ऐसे करके हमें लेवल पता होना चाहिए कि हमें किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और आपके पास इलेक्ट्रॉन के संख्या जो है वो रहती है, आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि हमारे पास, जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और वही आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी सबसे में आपको जो है वो फिल करने रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लेकिन हमें इसकी हमें ट्रिक देखनी है कि कैसे हम ये इसको याद रख सके। ये सब तो हमने बहुत पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है वो 1s में फिल करते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे करके ये जो है वो आपने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन हमें ट्रिक देखनी है कि किस तरीके से जो है हम इसको याद कर सकते हैं एक लाइन में। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप जो है वो आराम से उसको याद कर लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ लर्न करवाऊँगा। पहला आपको याद रखना है एक, देखिए ऐसे एस एस, ठीक, उसके बाद से पी एस, थोड़ा सा दूर रखते पी एस, फिर उसके बाद से पी एस एस एस, पी एस पी एस, फिर डी पी एस, फिर उसके बाद से डी पी एस, फिर उसके बाद से होता है हमारा एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, तो इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस एस, पी एस, पी एस, और फिर डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है वो आराम से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको, एस एस, पी एस, पी एस, फिर डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। ठीक है, ये आपका जो है वो हो गया। यहाँ तक आप याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि नंबर याद रखने हैं 122, फिर 334, फिर 345, फिर 456, फिर 456। बस दो चीज़ आपको याद रखें, एक ये तो याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एस एस, एस एस, फिर पी एस, पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, यहीं से शुरू है। ठीक है, अब यहाँ से मैच करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, खत्म। उसके बाद से आपको दूसरी चीज़ क्या रखनी है, 122, 334, फिर 345, 456, 456, ये आपको याद रखना। बस तीन चीज़, 122, 334, फिर 345, फिर 456, 456, ये आपको नंबर बस याद करने हैं, बस आपका जो है वो काम खत्म। देखिए अब इसी पे लगा दीजिए, ये जो है वो 122 है, तो इस पे लगाइए 122, ये हो गया। 334 पे लगा दीजिए 3 3 4, फिर 345 इस पे लगा दीजिए 3 4 5, ठीक है, फिर 456 लगा दीजिए इस पे 4 5 6, फिर 456 लगा दीजिए 4 5 6, ये हमारे यहाँ तक जो है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो है ये क्या है 1s हो गया, ये जो हमारा क्या है 2s हो गया, ये हमारा क्या है 2p है, ये 3s है, ये हमारा 3p है, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है, ये 5s है, ये 4d है, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। यहाँ तक आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। ठीक है, याद कैसे करना है मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको कुछ अल्फ़ाबेट याद करने हैं, जैसे एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, बात खत्म। उसके बाद से दूसरा चीज़, 122, 334, 345, 456, 456, 122, 334, 342, उसके बाद से 345, 456, 456, ठीक है, बस आपको पुट कर देना है, ये आपके आ गया। आप मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए, सबसे पहले 1s में भरना है 1s में, फिर 2s में, 2s में, फिर 2p, 2p, फिर 3s, 3s, 3p, 3p, 4s, 4s, 3d, 3d, फिर 4p, ऐसे करके 5s, ये पूरा एकदम सेम होगा। एग्जैक्ट आपको याद रखना है एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, 122, 334, 345, 456, 456, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक जो है वो, बस आपको अभी इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है, ये तो आपको याद ही हो गया। इलेक्ट्रॉन आराम से आप फिल करके आराम से कोई दिक्कत बिना परेशानी के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगले